नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी दिल में संभव की आशाएं हर दम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ, उस होने या ना होने से क्या तुझको, तुझको, तुझको। विजय पराजय से क्या, मेघ उमड़ते हैं अंबर में, भंवर उठ रहे हैं सागर में, आंधी और तूफान डगर में, तुझको तो केवल चलना है, चलना है, चलना ही है। तो फिर डर क्या, तुझको, तुझको, तुझको। विजय पराजय से क्या, अरे थक गया क्यों बढ़ता चल, उठ संघर्षों से लड़ता चल, जीवन विषय विषम पंथ चलता चल, खड़ा हिमालय हो यदि आगे, लड़ू या चढ़ू या संशय क्यों, तुझको, तुझको, तुझको। विजय पराजय से क्या, चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ, उस होने या न होने से क्या तुझको, तुझको, तुझको। विजय पराजय से क्या। जब लक्ष्य महान हो
तो पराजय और विजय, सफलता और असफलता। योगी को प्रभावित नहीं करते, या फिर कहें असफलता हमें ज्यादा सिखाती है सफलता से। असफलता अंतर्मुखी बनाती और सफलता बाह्यमुखी। असफलता होते ही व्यक्ति आत्मचिंतन करने लगता है, क्यों हुआ ऐसा, और सफलता की खुशी कभी कभी उसे बाहर ले जाती, असावधान बना देती। इसलिए सफलता हो या असफलता, जय हो या पराजय, लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना है। उस लक्ष्य पूर्ति के लिए जो कुछ संभव है वो सब करना है, और इस संगम युग को विशेष वरदान प्राप्त है। कौन सा? आज सुबह की अव्यक्त वाणी। संगम को विशेष वरदान प्राप्त है कौन सा? संगम को विशेष वरदान प्राप्त है कौन सा? सुबह की अव्यक्त वाणी। असंभव को संभव करने का इस संगम युग पर कौन सा वरदान है? संगम युग को मिला हुआ वरदान है ये, किसी व्यक्ति को मिला हुआ नहीं है। इस समय को यह वरदान मिला हुआ है, इस समय के भीतर जिसका भी जन्म हुआ है उसके लिए यह काम करेगा, क्योंकि वरदान व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जो संगम पर है उसके लिए। कौन सा वरदान? असंभव को संभव करने का वरदान। और असंभव को संभव करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज आवश्यक है वो है संकल्प शक्ति। संकल्प ऊर्जा है। संकल्प में शक्ति है। स्वप्न को साकार करने की संकल्प में शक्ति है। असंभव को संभव करने की, पराजय को विजय में बदलने की, असफलता को सफलता में बदलने की। ऐसे संकल्प वीर, ऐसे संकल्पवान आत्माओं की आवश्यकता है। एकाग्रता संकल्पों की, दृढ़ता संकल्पों में, संकल्प को साकार करें। पिछले रविवार भी हमने देखा कि संकल्प दृढ़ हो जाए इसके लिए किन बातों की आवश्यकता है, किन परिस्थितियों में वो संकल्प लिया गया है। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी परिस्थितियों में तीव्रता होगी, उतनी मन में तीव्रता होगी। उन परिस्थितियों में जो संकल्प लिया जाता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में जो संकल्प लिया जाता है उसमें दृढ़ता आती है। दूसरा, शुद्ध मंशा, भावना कितनी शुद्ध है उतना उस संकल्प में शक्ति आती है। तीसरा, किस स्थान पर वो संकल्प लिया जा रहा है। पवित्र स्थान होगा तो संकल्प में अतिरिक्त ऊर्जा भरेगी। अगला,
किस समय वो संकल्प लिया जा रहा है, अगला किसके सामने वो संकल्प लिया जा रहा है। सुबह की अव्यक्त वाणी, तीन व्रत भक्त लेते कौन से, पवित्रता, खान पान और दुख या धोखा न देने का। साल में एक बार लेते हैं परंतु मर्यादा का पालन करते हैं। व्रत अर्थात संकल्प, वचन अर्थात वचन, सुबह की अव्यक्त वाणी, वचन अर्थात वचन, मधुवन अर्थात मधुवन, अभी जो नीचे अव्यक्त वाणी चली, वचन अर्थात वचन, संकल्प अर्थात संकल्प। एक बार संकल्प ले लिया, अब उसे अधबीच मझधार में नहीं छोड़ना है। जो संकल्प ले लिया, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए तब तक चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ, उस होने या ना होने से क्या तुझको, 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 विजय पराजय से क्या। मेघ उमड़ते हैं अंबर में, भंवर उठ रहे सागर में, आंधी और तूफान डगर में, तुझको तो केवल चलना है, चलना ही है फिर डर क्या, तुझको, 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 विजय पराजय से क्या। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना करे, सुबह की अव्यक्त वाणी। प्रतिज्ञा क्या कर देती है, प्रतिज्ञा को परीक्षा कमजोर कर देती है। तो अपनी प्रतिज्ञा को, अपने व्रत को, अपने संकल्प को, अपने संकल्प शक्ति को प्रभावशाली बनाना, दृढ़ बनाना। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राणिक संकल्प पर। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। लोगों ने संकल्प शक्ति के आधार पर क्या कुछ नहीं कर दिया। जिनका लक्ष्य अध्यात्म नहीं था, जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं था, जिनका लक्ष्य लौकिक था, संपूर्ण लौकिक, उसमें भी उन्होंने संकल्प शक्ति के आधार पर कैसे चमत्कार कर दिए। असम में एक बॉडी बिल्डर है, अभी भी है, महादेव डेका, छोटे से गांव से है। 2002 में उसकी बाईपास, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाद में कॉम्प्लिकेशन हुए, परंतु उसका जो पैशन था, जो जुनून था कि कुछ करना है, और उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो है, बॉडी बिल्डिंग, इतना बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कोई दूसरा होता तो बैठ जाता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 मास के अंदर वापस जिम चालू कर दी, 3 मास के अंदर सारी साधना चालू कर दी जो कुछ वो पहले करता था। और 2009 में मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग में, भारत का फर्स्ट, भारत से। उससे पूछा भी गया, ये तुमने कैसे किया, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया हार्ट का, उसके बाद में कोई जिम जाता है क्या। अच्छा, जाए भी तो कीमोथेरेपी हुई बीच में, अगर जाए भी तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के आ जाएगा। कंपटीशन में भाग लेना, वो भी बॉडी बिल्डिंग की, अदम्य साहस चाहिए, अदम्य इच्छा शक्ति चाहिए, अदम्य संकल्प शक्ति चाहिए। और जहां ऐसी संकल्प शक्ति होगी, वहां असंभव संभव होगा। और ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा, संगम युग को ही वरदान मिल चुका है, असंभव को संभव करने का। तो संसार के लोग क्या कुछ नहीं करते,
अनुरिमा सिन्हा। हैंडीकैप हो गई, चलती ट्रेन से गिर पड़ी, परंतु हिम्मत नहीं हारी। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद उसे पूछा गया, अब क्या? उसने कहा, अभी तो जमीन को लांघा है, आसमान को लांघना बाकी है। इतनी पावर कहां से आती है और क्यों आती है? जब व्यक्ति विषम परिस्थिति में होता है तब संकल्प शक्ति जागृत होती है। कठिनाइयों में संकल्प शक्ति जागृत होती है। कठिनाइयों में दो चीजें हो सकती है, एक तो व्यक्ति दुखी हो जाए, उदास हो जाए, उमंग उत्साह खो दे, बैठ जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो करने वाले सुबह की अव्यक्तवाणी तोता। और दूसरे संकल्पवान, संकल्पवीर, जो कुछ हो रहा है जीवन में उसका प्रयोग अपनी उन्नति के लिए करना। मिल्क द सिचुएशंस, अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क द एडवर्सिटीज, एडवांटेज लो उसका और आगे बढ़ो। और सारा खेल संकल्पों का खेल है। अभी यहां बैठे हैं, कौन से मन में विचार चल रहे हैं? आज रविवार है, क्या करना है? संकल्प। क्या करें जो हम में प्राण ऊर्जा भर जाए, प्राणिक शक्ति भर जाए? पिछले संडे बाबा ने कहा था इसमें तीन बाधा है दृढ़ संकल्पों में। पहली लूज क्रू, बहानेबाजी, दूसरा अलबेलापन, और तीसरा नजर। स्वयं को बदलो, स्वयं को देखो, स्वमान में रहो। दूर को देखते हो, उसमें भी क्या देखते हो? उनकी कमजोरी। ये तीन बाधाएं है, इसको हटाओ। कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड आई। ये ना पूछो क्या, क्यों, कैसे, आर्मी का नियम है। अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, मतलब राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, क्यों राइट टर्न, क्यों लेफ्ट टर्न। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड आई। बस करो और मरो, ये नियम है आर्मी का। हम कौन है? रूहानी आर्मी, रूहानी मिलिट्री। आदेश मिल चुका है कि ये करो तो बस करो। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई अलबेलापन नहीं। अभी नीचे कहा ना बाबा ने अव्यक्तवाणी में, बाप को दे दो तीन चीजें। कौन सी, क्या दे दो? फिकर दे दो, अलबेलापन दे दो, और हद का मेरापन दे दो। ये तीन चीजें बाप को दे दो, और क्या ले लो? फकूर। पहला है स्वयं के प्रति संकल्प, दूसरा है बाप के प्रति संकल्प, तीसरा है इस परिवार के प्रति संकल्प, ब्राह्मण परिवार के प्रति, चौथा इस यज्ञ के प्रति संकल्प, पांचवा विश्व की आत्माओं के प्रति संकल्प, और छठवा है प्रकृति के प्रति संकल्प। जो संकल्प हम करेंगे उस अनुसार सब कुछ होगा। आज सुबह जो संकल्प किया उसी अनुसार दिनचर्या होगी। संकल्प कमजोर तो दिनचर्या कमजोर। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बहुत शक्तिशाली मुरली है। 25 मार्च 93 क्या कह रहे हैं बाबा? 95 ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना क्या है? संकल्पों का खजाना। और उस दिन भी कहा था संकल्प शक्ति कैसे बढ़ती है,
संकल्प शक्ति बढ़ाने की तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका, बार बार छोटे छोटे संकल्प करना, प्रयोग करना, उसका दिन भर प्रयोग करते रहना, छोटी छोटी चीजों में प्रयोग, और वो प्रयोग गुप्त ही रखे तो अच्छा है। मुरली क्लास में बैठो, संकल्प के साथ बैठो, जहां पैर रख दिया भी हिलेंगे नहीं, केवल हाथ अगर लिख रहे हो और डायरी, बस छोटा सा प्रयोग है। और जो लोग नहीं लिखते, मूर्ति की तरह बैठ कर देखो क्या होता है, हिलना ही नहीं। ये प्रयोग है संकल्प का, छोटा सा प्रयोग, और एक प्रयोग तो सबने कल किया होगा। शनिवार 6 बजे से 6 बजे तक संकल्प को बढ़ाने के लिए व्रत बहुत शक्तिशाली है, छोटे छोटे व्रत। इसलिए हर सप्ताह एक दिन न खाना न पीना, ये संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा। साप्ताहिक उपवास, और जिसने कल किया होगा उन्होंने अनुभव किया होगा, पावर बढ़ चुकी है। ये शरीर का कुछ था ही नहीं, सारा मन का खेल था। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना है, और आप सब का श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, जहां बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से, वो शक्ति से, जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो, जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड में उसमें संकल्प से पहुंच सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो क्या होगा? ये मैं नहीं कर सकता, मैं बीमार हूं, अव्यक्त मुरली नीचे संडे अभी जो चली, मैं बीमार हूं, ये नहीं किया, शरीर को चलाना आ गया। संकल्प किया मैं कमजोर हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी, परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होने लगेंगे तुरंत। संकल्प आते ही स्थिति का निर्माण होता है। कोई माता है मधुबन में, रोटी बेल रही है और अचानक अपने बेटे की याद आ गई, याद और तुरंत आंसू, पोते की, बेटे की, पोती की, बहू की, किसी की भी, तुरंत स्मृति और स्थिति, तुरंत, वेरी फास्ट, अभी के अभी। परेशानी के चिन्ह नजर आएंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार है संकल्प। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं, यह स्थिति संकल्प से ही तो बनी, तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म द्वारा सारा दिन बहुत अच्छा रहती है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जितना व्यर्थ चलता है उतनी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक नहीं होता, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं, क्यों ना करूं, कैसे करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव है, विकल्प नहीं है, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी और खुशी गायब हो जाती है, मन उदास रहता है, अपने जीवन में मजा नहीं आता, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई है। वो मेजॉरिटी वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ खजाने का खाता बढ़ा दिया। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है,
छोटा रूप होता है लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे वैसे क्या ये व्यर्थ का खाता, गवाने का खाता बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग, ये खजाने गवाने के खाते खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, महसूस कर लेते हैं कि आज ये किया इसलिए खुशी गुम है, लेकिन व्यर्थ गवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ कोई गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्पों के श्रेष्ठ खजानों को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा ना होगा तो गवाने का खाता होगा ही। बहुत पावरफुल मुरली है। 25 मार्च 1995। तो सबसे पहले है स्वयं के प्रति संकल्प। कौन से संकल्प करेंगे? मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, मुझे शरीर में कमजोरी लगती है, मेरी नींद कम हुई, कल खाना नहीं खाया था, आज बहुत खाने का विचार है, एकदम से कमजोरी आ गई, उस कमजोरी की भरपाई करनी है आज। क्या संकल्प करेंगे? क्या कल जो विजयी हुए ये विजय हमेशा रहे? विजय भी संस्कार है, विजयी होना भी संस्कार है, उसकी आदत लगानी, आदत डालनी है विजयी होने की। छोटे छोटे संकल्प करना है और उसमें विजयी होकर दिखाना है, और किसी को बताने की, सुनाने की, कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने तक ये विजय मेरी है, पर्सनल विक्ट्री। शिवरात्रि अर्थात सुबह की अव्यक्त वाणी, ज्ञान सूर्य का प्रकट होना अर्थात शिवरात्रि। तुम सब ज्ञान सूर्य हो, दिया नहीं हो, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है, तुम दिए नहीं हो, तुम कौन हो? सूर्य हो। सूर्य अर्थात प्रकाश, अंधकार हो नहीं सकता। संपूर्ण रोशनी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। कोई एक विकार, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण विकारों से, सारे विकारों से, हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थान पर मुक्ति अर्थात पवित्रता। व्रत, वचन अर्थात वचन, वचन अर्थात वचन। दृढ़ता कैसे आती है? मुरली से। दृढ़ता कैसे आती है? मुरली के महावाक्यों से। एक एक वाक्य क्या है? रत्न। कल की साकार मुरली, कितने रत्न भरे हैं चेक करो, कितने हैं, गिनती होनी चाहिए, पैसों की गिनती करते, ऐसे नहीं पैसे कितने बहुत है मेरे पास, अरे बहुत कितने हैं? 10 है 15 है 20 लाख है, कितने हैं? हर दिन की मुरली से पॉइंट निकालने हैं, डायरी में नोट करने हैं, नॉट ओनली दैट, उनको कंठ कर लेना है, और फिर शाम के योग से पहले उन्हें याद करने हैं कि आज मैंने कितने खजाने जमा किए, एक किए, दो किए, तीन किए, चार किए। तो बताओ कल की मुरली के 10 महावाक्य साकार मुरली। टाइम वेस्ट, सुबह वाली क्लास नहीं। अच्छा, समय को आबाद करने का विधि क्या है? याद, अंतर्मुखी अर्थात आत्मा अंदर है। एक तो ये पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद देखो, याद करो, रिवाइज करो, और फिर दिन भर में कोई दिखता है तो उसको भी सुनाओ। होमवर्क याद रखना और रखवाना, जितनी झोली भरनी है भर लो। ये नहीं समझना, हमको तो पता ही है, पता है नहीं, बताओ कितना है, कितने हैं? बहुत है नहीं, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी नहीं करते। मतलब याद है तो पॉइंट्स को याद रखना है, पॉइंट बनना ये है साधना, पॉइंट को याद रखना ये है अभ्यास, ये है विधि। बुद्धि में वही गूंजता रहे दिन भर। तो संकल्प की बाबा ने कितनी महिमा की है इस मुरली में। एक और मुरली है,
जिसमें बाबा क्या कह रहे हैं संकल्प के विषय में। संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। अव्यक्त मुरली 10th December 79। पुण्य आत्मा का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करता है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाता है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग से जली हुई आत्मा को शीतल बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्माओं को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसी विशेष शक्ति है जो जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को भी संभव कर देते हैं। वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना देता है। संकल्प की शक्ति में विशेष शक्ति है ये संकल्प, तो इसका प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? एक विधि है छोटी सी, स्वयं को छोटी छोटी चुनौतियां देकर। क्या करना है? स्वयं को चुनौतियां दो। और कैसी चुनौतियां? मर्यादित चुनौतियां। बहुत ऐसी अमर्यादित चुनौतियां नहीं दे देनी है, छोटी छोटी चुनौतियां, लिमिटेड चुनौतियां, और करके देखो क्या होता है। तो एक तो हमने अभ्यास बना दिया है, हफ्ते में एक दिन 24 आवर्स निर्जला, जो नहीं कर सकते वो जूस। एक दूसरा संकल्प आज दे रहे हर सोमवार, मंडे, आज तो संडे है, आज नहीं, आज जो करना है कर लो, कल एक दिन, मंडे रॉडे, मंडे अर्थात रॉडे, ये दो दिन हफ्ते के निश्चित करने। मंडे अर्थात रॉडे, रॉ अर्थात अनकुक्ड, रॉ अर्थात अपक्व, रॉ अर्थात अनप्रोसेस्ड, रॉ अर्थात फायरलेस, रॉ अर्थात स्पार्कलेस, रॉ अर्थात नेचुरल, रॉ अर्थात प्राकृतिक, रॉ अर्थात कुदरती, रॉ अर्थात सनकुक्ड, रॉ अर्थात आग ने जिसे स्पर्श ना किया हो। पूरा दिन आसान है, संकल्प है बस। संकल्प ने किया, संकल्प किया है, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होता तो नहीं होगा। संकल्प करो ये होगा तो होगा, अपने आप होगा। एक दिन तो कर ही सकते हैं, एक ही दिन, बस ओनली वन डे, बाकी दिन मौज करो जो करना है, पर एक दिन तो करो। मंडे अर्थात रोडे, ढूंढो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, खोज करो खुद ही, पूछने नहीं आ जाना क्या 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 क्या, तुरंत आ जाते आक्रमण, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, कौन करता है, कैसे करता है, ये लेना, वो ले सकते, वो ले सकते क्या, ऐसा कर सकते है क्या। ढूंढो, खुद खोज करो, क्योंकि जो हम संकल्प करते हैं उसकी तरंगे विश्व में जाती है। जो भी संकल्प करेंगे विश्व में तरंगे जाएगी, और जो संकल्प हम बार बार करते हैं उस संकल्प से हम उस वस्तु का आह्वान करते हैं और वो स्वतः होने लगती है, फिर सहज होने लगती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सोचो ये मेरे लिए बहुत सहज है तो सहज होगा, ये तो मेरा स्वभाव है, नेचुरल मेरा स्वभाव है, अपने आप होगा। सिकंदर के सिपाही ने कहा सिकंदर से कि वो जो किला है उसको फतेह करना असंभव है, नहीं हो सकता। सिकंदर ने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। सिकंदर खुद तैयार हो गया, अपनी एक सिपाहियों की टोली बनाई और आगे बढ़ गया और फतेह कर लिया। नेपोलियन को कहा गया पूरा है जा, वो बीमारी फैल गई है सिपाहियों में, हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेपोलियन खुद गया, एक एक सिपाही को देख रहा है, एक एक सिपाही की सेवा कर रहा है। क्यों? उनके मन से डर निकालने के लिए, कि हमारा सरदार ही नहीं डरता इस बीमारी से, हम क्यों डरे।
भारत में अभी शायद वो नहीं रहे, दशरथ मांझी, सबने सुना होगा। क्या वो बहुत पढ़ा लिखा था? गहलोर नामक गांव में था। 1959 में उसके उसकी जो युगल थी फाल्गुनी देवी, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ बीच में था, उसके शहर, उसका गांव और वो जो शहर है उसके बीच। तो उसने क्या संकल्प किया, 59 में हुआ वो, 22 वर्ष तक क्या करता रहा, पहाड़ तोड़ता रहा, लोग हंसी उड़ाते पर वो करता रहा, करता रहा। 70 किलोमीटर की जो दूरी थी 15 किलोमीटर कर दी उसने। 360 फुट लंबा तथा 25 फुट गहरा तथा लगभग 30 फुट चौड़ा मार्ग गहलोर की पथरीली पहाड़ियों के बीच से निकाल दिया। ये सब क्या है? संकल्प। जो चाहे वो किया जा सकता है संकल्प से। यदि हम संकल्प कर ले कि मुझे करना ही है तो हो सकता है। तो सबसे पहला है स्वयं के प्रति संकल्प। तो आपको 21 परिस्थितियां बता रही है, उत्तर आप देंगे कौन से संकल्प करने, और सबके पास उत्तर है। उत्तर होंगे स्वमान, आपको स्वमान बताने हैं, हम परिस्थिति बताएंगे। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में अनंत शक्तियां है। अब केवल इस तक नहीं छोड़ देना, उसके साथ बहुत सारे शब्द जोड़ देना। मुझ में अनंत शक्तियां है, मैं ऊर्जावान हूं, मैं ऊर्जावीर हूं, मैं बलवान हूं, बलवंत हूं, अतुलित बलधामा, कौन हूं, हनुमान हूं, महावीर हूं, शक्तियों का सूर्य हूं, और क्या हूं, शक्ति वाले संकल्प बताओ। मैं कौन हूं, डायनामाइट हूं, और कौन हूं, शिव शक्ति, पांडव सेना हूं, शिव शक्ति, अच्छा शिव शक्ति भी और पांडव सेना भी, और मैं पावरफुल हूं, और शक्तियों का सम्राट हूं। ये कितना अच्छा सम्मान है, मैं शक्तियों का सम्राट हूं, वाह। और नहीं, ये शक्ति की चल रहा है, वो आएगा आगे। शक्तियों का केंद्र हूं, शक्तियों का अवतार हूं, आज कहा इकोनॉमी का अवतार, नहीं नहीं वो 95 वाली मुरली है जो हमने सुनाई, उसमें है वो, ब्रह्मा है इकोनॉमी का अवतार, शक्तियों का अवतार हूं, और शक्तियों का पुंज हूं, और शक्तियों का भंडार हूं, और शक्तियों का चुंबक हूं, शक्तियों की ऊर्जा, और शक्तियों का शक्ति, द पावर मैन, सुपरमैन हूं, शक्तिमान हूं। तो पावरफुल संकल्प क्रिएट करने, और ये संकल्प बोलने के नहीं है, मन ही मन उसका गहरा अंदर ही अंदर चिंतन चलते रहना है। मैं ये कर सकता हूं, मुझ में शक्ति है, मैं शिव की शक्ति हूं, मैं शक्तिशाली हूं। हेलन केलर 2.5 साल की उम्र में ही अंधी, बैरी, गूंगी, 2.5 साल की उम्र में ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। जब सुनाई नहीं देता तो व्यक्ति सीखेगा कैसे? पर जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी, लैटिन सीखी, 8 साल के सतत प्रयास के बाद स्नातक की डिग्री ली। उससे देखता नहीं, वो देख नहीं सकती थी पर आत्मा से देखती थी। वो बैठ गई, मुझसे नहीं होता है, मैं कैसे करूंगी। शारीरिक बीमारी कितनी बड़ी, वो लोगों ने विजय प्राप्त कर ली बीमारियों पर। तो शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली संकल्प चाहिए, कमजोर संकल्प नहीं चलेंगे। मेरे से नहीं होता है, मेरे से, मेरा ये दर्द है, मेरा वो दर्द है, मेरा ऐसा, अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ, मेरा वो, मेरा ये, अभी तो आया हूं, अगली परिस्थिति है विघ्नों को नष्ट करने के लिए। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, विघ्न हरता हूं, मैं गणेश हूं, वक्रतुंड महाकाय, विघ्नों को सहज पार करने वाले। ये विघ्न मेरे लिए खेल है, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। ये विघ्न क्या है? चिराग है, मुझे राह दिखा रहे। अच्छा है, विघ्न कहाँ गए? विघ्न चाहिए,
विघ्न नहीं रहते तो मजा नहीं आता है जीवन में। माया पर जीत पाने के लिए माया आक्रमण कर रही है। आज कहा बाबा ने, पांचों ही विकार पर जीत, यह है पवित्रता। तो इसमें कौन सा सम्मान लेंगे? मैं विजयी रत्न हूं। विजय मेरी नहीं होगी तो और किसकी होगी? मैं माया जीत हूं, मैं विजयी रत्न हूं, माया प्रूफ हूं, माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मैं निर्लिप्त हूं, अलिप्त हूं। अगला, सबके प्रति शुभ वृत्ति के लिए, सबके प्रति शुभ वृत्ति के लिए कौन सा संकल्प लेंगे? मैं शुभचिंतक मणि हूं और मैं विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व मतलब मैं किसी एक का कल्याणकारी नहीं हूं, सकल विश्व का कल्याणकारी हूं। माय इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल। विवेकानंद का वाक्य है, माय इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन। मैं केवल भारत के लिए नहीं हूं, विश्व के लिए हूं, सब आत्माओं का कल्याण। अगला, पवित्र बनने के लिए, अपने ब्रह्मचर्य को बढ़ाने के लिए कौन से संकल्प लेंगे? परम पवित्र आत्मा हो, पवित्रता का फरिश्ता हूं और पवित्रता का सूर्य हूं। वो बताओ जो रोज के नहीं है। ये जो रटे रटाए समान होते हैं वो प्रभाव असर करना बंद कर देते। मैं ब्रह्मचारी हूं और राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के, राम रसायन है मेरे पास, जल्दी लांग गया चरज नाही, असंभव को संभव करने वाला, अतुलित बल धामा। पवित्रता का यज्ञ कुंड हूं, मैं ही यज्ञ हूं। शक्तिशाली संकल्प को क्रिएट करना एक टेक्निक है, उसके लिए एकांत में जाके बैठ जाओ। मैं पवित्रता की रोशनी हूं, प्रकाश हूं, ऊर्जा हूं, शक्ति हूं, मशाल हूं, मैं भीष्म हूं, कुछ भी हो सकता है। और उस संकल्प को लेके उसका गहन अंदर ही अंदर चिंतन करते करते क्या बन जाता है? वो संकल्प नशा के रूप में परिवर्तित होता है, धीरे धीरे समान बन जाता है। संकल्प समान और समान नशा बनता है, और नशा वाला जो होता है वो अपने आप चलता है। फिर हमें दोहराना नहीं पड़ता है, हमेशा बोलते नहीं रहना पड़ता है कि मैं ये हूं। कोई राज परिवार का राजपुत्र हो, वो बोलते रहता है कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं। नहीं, एक छोटा सा बालक है, जैसे दिखाया है चंद्रगुप्त के जीवन में कि वो छोटा सा बालक है, पहले साधारण बालक था और अचानक एक दिन राजकुमार बन गया, और अचानक एक दिन युवराज बन गया, और फिर सम्राट। चेतना का तुरंत रूपांतरण। हम भी साधारण थे, जन्म लिया और तुरंत जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया कि अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम बदल गए, अब तुम ब्रह्मा कुमार। वातावरण को परिवर्तन करने के लिए ये बाबा के महावाक्यों से लिया हुआ है, ये सारे ही एक एक अलग अलग मुरलियों से निकाले हुए। कौन सा है? अगर तुम्हें किसी स्थान को बदलना है, वातावरण को बदलना है, विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं सेंटर पर, कौन सा सामान लेंगे? सामान तो बहुत सारे ले सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में विशेष कहा है, सूरज भाई जी इसके बारे में कई क्लासेस में कहा है, ये एक ही सामान वातावरण को बदलने के लिए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इस संकल्प का अभ्यास करो। अगर वातावरण को बदलना है, परिस्थितियों को बदलना है, स्थान में अपवित्रता है, ऑफिस के वातावरण को बदलना है, भीतर ही भीतर चिंतन करते रहो, मैं ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, वातावरण बदले। अगला, दुख समाप्त करने के लिए, दुखहर्ता सुखकर्ता और थोड़ा कुछ दूसरा, दुख को समाप्त करना है। कैसे समाप्त करेंगे? मैं सुखदाता हूं, सुखदेव हूं और तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। सुखदेव के लिए गाता है ना, तुम सर्व हृदय, तो मैं कौन हूं? सुखदेव हूं। और दुख को भंजन करने वाला हूं, दुख का निकंदन करने वाला हूं। खुशनसीब। सफलता प्राप्त करने के लिए, सकलता प्राप्त करने के लिए, सफलता का सितारा हूं, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। परिस्थितियों में हल्का रहने के लिए, मैं लाइट हाउस हूं। आज बोला ना, तुम लाइट हाउस हो, तुम माइट हाउस हो, तुम सूरज हो, दूसरों को भी प्रकाशित करने वाले हो।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ज्ञान सूर्य है, अपनी डायरी में नोट करके रखना है, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी भी परीक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रशिक्षण चाहिए सूर्य को? कौन सिखाता है प्रकाशित? उसे तो बस यह आभास है कि मैं सूर्य हूं, बस। किसी प्रमाण प्रमाण तो दूसरी बात होगी, उसे किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हम कौन है? मास्टर सूर्य हो। और संकल्प करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। कल करूंगा संकल्प, कल गुरुवार है ना, कल करता हूं, कल अच्छा मुहूर्त है। कौन सा शुभ मुहूर्त? हर घड़ी शुभ मुहूर्त है। हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, हम कहते हैं कल छुट्टी करेंगे। डॉक्टर साहब कल मत करना, परसों करना। क्यों? परसों वो जो है ना, वो हमारा वो है मुहूर्त। अरे जिस दिन छुट्टी हो रही है उसी दिन शुभ मुहूर्त समझो ना। थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे, इधर बैठ सकते हैं। आगे आगे आ जाओ। बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करेंगे? अगला संकल्प बताओ। बंधनों से मुक्त होना है, बंधन ही बंधन है, इतने बंधन इतने बंधन। कुछ भी करने जाओ तो घर वाले टांग खींचते हैं। निर्बंधन हूं और बंधनों से मुक्त हूं और उड़ता पंछी। अभी मधुबन निवासियों से मुलाकात, नीचे शांतिवन में चली हुई मुरली। क्या कहा? बीती को बीती करने वाले उड़ता पंछी अर्थात पीछे का पीछे रह गया। मधुबन अर्थात मधुबन, मधुबन अर्थात नंबर वन, मधुबन अर्थात बीती को बीती करने वाले, मधुबन अर्थात जो बीत गया उसको छोड़ देने वाले, अब उड़ने वाले, उड़ना अर्थात पीछे, ये छूट गया। याद है ना, अभी अभी बोला है। फीलिंग से मुक्त होने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये बाबा के महावाक्य किसी मुरली में। और क्या कहेंगे? मैं चिकना घड़ा हूं और फीलिंग देवी हूं, और फीलिंग देवी नहीं हूं हीलिंग देवी हूं। फीलिंग देवी नहीं, हीलिंग देवी। खुद की बीमारी भी ठीक करने वाले और दूसरों को भी ठीक करने वाले, हीलिंग देवी। फीलिंग प्रूफ और फीलिंग से मुफ्त है। थोड़ी किसी ने कुछ कह दिया उदास, किसी ने कुछ बोल दिया खत्म, उसी बात के लेके परेशान है, दुखी है, इतना फील करते हैं। छोटी छोटी बातों को HSP कहते हैं साइकोलॉजी में, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, छुई मुई, कोई उसको कुछ कह ही नहीं सकता। ऐसे लोगों का डिपार्टमेंट में रहना बाकी लोगों के लिए बड़ा दुखदाई है उसको, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते। कन्या है उसको बोलो अगर तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, बस 2 दिन उदास। अरे इतना ही तो कहा था, बस 2 दिन बिल्कुल उधर मुंह, नाराज उदास परेशान। और कोई कोई उसको तुरंत सीख लेते हैं, तो आधी मृत्यु जैसा है ये फीलिंग। वो ऐसा भी नहीं बनना है, संवेदनशील बनना है, संवेदनशील, सेंसिटिव, रिसेप्टिव बनना है, सेंसिबल बनना है, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। फीलिंग 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 फीलिंग, इसमें दुखी होता है व्यक्ति, हमेशा दुखी रहते हैं ये प्रकार के व्यक्तित्व, छोटी छोटी बातों में उदास होते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनको कह दो कि तुम योग में सो रहे थे, बस हो गया। ओम शांति भी नहीं बोला तो फीलिंग। एक भाई आए थे, हमने कहा क्यों ऐसे उदास? बोले दादी जानकी ऐसे जा रही थी, हमने 3 बार ओम शांति को, दादी ने देखा भी नहीं, एकदम उदास। अरे दादी कहाँ अपने इसमें है, इधर हजारों लोग चल रहे हैं रास्ते पर, तुमको देखा नहीं उदास। पता नहीं शायद मेरे से नाराज है, तुमको जानती भी नहीं है वो। एक हाथी पर एक मच्छर बैठता है, पहले पूछता है हे हाथी क्या मैं तुम्हारी पीठ पर बैठूं? हाथी का ध्यान ही नहीं, हाथी तो अपने मस्ती में। फिर हाथी चलने लगता है, मच्छर कहता है बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आ रहा है, हाथी को कुछ पता नहीं। फिर एक पुल आता है, मच्छर हाथी को कहता है थोड़ा ध्यान से चलना, हाथी को कुछ पता नहीं। पुल क्रॉस कर लेता है हाथी, ऊपर मच्छर बैठा है, मच्छर कहता है बहुत धन्यवाद मित्र, अभी मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। हाथी को फिर भी पता नहीं, हाथी को क्या लेना देना तुमसे, सृष्टि में हम कौन है?
कितु से है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कौन सा संकल्प लेंगे? व्यर्थ ही व्यर्थ चल रहा है, तूफान मचा हुआ है व्यर्थ का, इतना व्यर्थ की बात मत पूछो। कई लोगों के पास इतना माल होता है, इतना माल होता है, अगर उनके साथ 5 मिनट बातें करो तो वो 5 मिनट में इतना अंदर का निकाल देते हैं, पता नहीं। अगला संकल्प क्या करेंगे, संकल्प क्या करेंगे? मास्टर ज्ञान सागर लिखा हुआ है इसमें, फिर भी नए बना सकते क्या? मैं व्यर्थ को भस्म करने वाला ज्ञान सूर्य हूं और व्यर्थ समर्थ हूं और व्यर्थ मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकता, मैं व्यर्थ से मुक्त हूं। ये आपके लिए काम दे रहे, टॉपिक्स दे रहे, आप लिखते रहो इसका। अगला है चिंताओं से मुक्त होने के लिए, निश्चिंत हूं, बेगमपुर का बादशाह हूं, बेफिक्र हूं। अगला सदा संतुष्ट रहने के लिए। अगला संबंधों को मधुर बनाने के लिए। हाँ ये बताओ संबंधों को मधुर बनाने के लिए, ये बाबा के लिए हुए महावाक्य इधर उधर से। मैं जगत माता हूं तो संबंधों को मधुर बनाने के, मैं पूर्वज आत्मा हूं। गुणमूर्त बनने के लिए, भटकती आत्मा को राहत देने के लिए, मनोवृत्ति बदलने के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए, उपराम वृत्ति के लिए, अशरीरी बनने के लिए। तो ये सारे संकल्प, ये होमवर्क है, इससे संकल्प निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने बताया स्व के प्रति संकल्प है ये सारे, और इससे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। दूसरा संकल्प है बाबा के प्रति। क्या संकल्प करेंगे बाबा के प्रति? प्रतिज्ञा है, जो आज की मुरली में ढेर सारी प्रतिज्ञा है, व्रत ले लिया है, वचन अर्थात वचन। कौन सा व्रत लिया है बाप का बनते ही? आज की मुरली अव्यक्तवाणी सुबह की, पवित्रता नहीं, बाप का बनते ही व्रत लिया। कौन सा? वो लोग एक दिन के लिए थे, तुमने हमेशा के लिए व्रत लिया है। कौन सा? खाने पीने का नहीं है, परमा बद्दार का नहीं है, इधर उधर का कुछ भी नहीं बताना है, आज का बताओ, प्राण जाए पर वचन ना जाए नहीं। चलो आज ढूंढना, अभी मुरली सुनेंगे ना उसमें। तो बाप के लिए हमारे क्या क्या संकल्प है, क्या क्या प्रतिज्ञा है, क्या क्या व्रत है, या उसके सामने कौन सा व्रत लेना है कि ये मेरा व्रत है, और किसके सामने ले रहे? स्वयं भगवान के सामने। कुछ भी हो जाए ये टूटेगा नहीं, तोड़ेंगे नहीं इसको। और इसका अगर अभ्यास ही करना है तो पिछले पुराने जमाने में क्या करते थे, व्रत लेने के लिए वो गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़ के उस दिए के ऊपर रखता था, वो चिल्लाता था छोड़ो छोड़ो, वो कहता था नहीं व्रत लो, जितनी पीड़ा तुमको इसमें हो रही है ना, अगर तुम्हें असफलता मिली तो सोचो तुम्हारी कितनी पीड़ा होगी तुमको। वह गुरु हाथ पकड़ के रखता था, दिया जल रहा है नीचे, वो कहता छोड़ो छोड़ो आचार्य मुझे छोड़ो, कहता नहीं छोड़ूंगा, अभी तुमको जितनी पीड़ा हो रही है ना उतने से ज्यादा पीड़ा तुमको तब होगी जब तुम असफल होंगे, ऐसी असफलता चाहिए तुमको? कहता नहीं चाहिए, मुझे संकल्प करना है। ये भी करके देखो, ये जलेगा ना, याद रहेगा। पीड़ा चाहिए पीड़ा, शौक चाहिए शौक, दर्द चाहिए संकल्प के लिए। ऐसे ही चलते फिरते मैं बाप समान बनता हूं, ऐसे संकल्प नहीं आता है, विषम परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए तब बाप समान बनने का संकल्प। तो बाप के सामने संकल्प। तीसरा है परिवार किस लिए, इस परिवार के लिए क्या संकल्प करेंगे? इस परिवार के लोगों में अवगुण है, इस परिवार के लोग बहुत दुख देते हैं, षड्यंत्र करते हैं, फिर भी क्या संकल्प करेंगे? सब करेंगे, मुझे ये परिवार जैसे भी है फिर भी मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रिय है। उस दिन भी कहानी सुनाई थी, गुरु शिष्य को पूछता है बताओ तुम कब समझोगे कि दिन और दिन रात समाप्त हो गई, दिन चालू हो गया है। पहला शिष्य कहता है जब मैं ये देखूंगा कि स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष। दूसरा कहता है जब नीम का पेड़ और आम का पेड़ मैं परख सकूंगा, ये दो अलग अलग है, तब समझूंगा दिन हो गया है। तीसरा कहता है जब मैं हर पुरुष को अपना भाई देखता हूं, हर स्त्री को अपनी बहन देखता हूं, तब समझता हूं कि अब दिन हो गया है, अन्यथा दोपहर भी है और ये दृष्टि नहीं है तो वो रात ही है।
तो ये परिवार किसका परिवार है? प्रभु परिवार है। माना इस मीन्स परिवार के लोगों में सब अवगुण है, यह हमें दिख रहे हैं। पर, परंतु, बट इन्हीं को चुना है और उसी ने चुना है और यही रहने वाले हैं साथ, इसलिए सब महान, सभी महान। एक पार्टी हो रही होती है, उसमें एक युवक होता है, वो दूर से देखता है, उसे एकदम पहचान में आता है, अरे ये तो मेरे स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर है। वो जाके मिलता है उनसे, वो कहता है मुझे पहचाना, मैं आपके विद्यार्थी हूँ, बचपन में मैं स्कूल में पढ़ता था, आप हमारे शिक्षक थे। वो कहता है नहीं पहचाना। वो कहते हैं आप जरूर पहचानोगे, मैं वही हूँ जिसने घड़ी चुराई थी। गुरुजी कहते हैं नहीं, फिर भी मुझे याद नहीं। वो कहते हैं मैं बताता हूँ, एक बार मैंने किसी के पास बहुत कीमती घड़ी थी तो मैंने वो घड़ी चुरा ली और फिर आप आए और आपने कहा कि सब उधर देखते हुए खड़े हो जाओ और आप पीछे से आए और हर एक की जेब टटोली और फिर जब मेरी जेब टटोली और मेरे जेब से घड़ी निकली तो मुझे इतना डर लग गया कि आप सबके सामने मेरा नाम अनाउंस करोगे और ये मेरे लिए हमेशा के लिए कैरेक्टर पर ये हो जाएगा कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सारे स्कूल में फैल जाता वो। पर आपने वो मेरा नाम किसी के सामने नहीं बताया, इसलिए मुझे आप हमेशा के लिए याद हो, याद है। इसलिए वो कहता है कि आपको भी मैं याद रहना होगा शायद, अब याद आया मैं कौन हूं, मैं वही चोर हूं पर आपने जिसका नाम नहीं लिया। वो शिक्षक कहते हैं मुझे तो यही पता नहीं, क्योंकि मैं जब वो कर रहा था, सबको खड़े किया और सबकी जेबें देख रहा था, मैं खुद अपनी आंखें बंद किए हुए था, इसलिए मुझे भी पता नहीं कौन था वो। अवगुण तो दिखेंगे सबके, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके रहना है, कोई पाप कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, कुछ भी कर रहे, परंतु फिर भी हम कौन है? क्या हम वही है जो वो कर रहा है? नहीं, किसी ने 10 बार हमें मारने की कोशिश की और 11वीं बार उसे कोई मार रहा है तो हम क्या करेंगे? बचाएंगे या मरने देंगे? क्योंकि हम बचाने वाले हैं, मारने वाले नहीं। हम महान आत्माएं हैं सृष्टि की, अपकारियों पर भी उपकार करने वाली आत्माएं हैं, जिसने पूरा जीवन हमको सताया वो आज बीमार है, उसकी सेवा करने वाली। ये बहुत बड़ा काम है, यही तो असंभव संभव है। हाँ, उसको ये रियलाइज नहीं करता, कराते रहना पर हम दूसरों की सेवा ऐसे करें कि उसको लगे ना कि वो हमारा ऋणी है। ठीक है, और एक विधि, जब असहाय महसूस हो जीवन में तब क्या करना चाहिए? एकदम असहाय निर्बल महसूस हो, जाकर दूसरों की सहायता करो। दूसरों की सहायता करने से बल प्राप्त होता है। कब करना है ये? जब असहाय महसूस हो, सबने मुझे छोड़ दिया, अब जाके इस मदद करो तो शक्ति आएगी। उल्टा हिसाब है। तो तीसरा बताया इस परिवार के प्रति, अगला इस यज्ञ के प्रति। क्या सोचेंगे स्वयं को, मैं कौन हूं? यज्ञ रक्षक हूं, मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी है। भगवान हमारा कौन है? अंग रक्षक। और अंग रक्षक के साथ और भी एक चीज है, ये बहुत अच्छा शब्द है, अपनी डायरी में नोट कर लो, भगवान मेरा अंग रक्षक है और मेरा मन रक्षक भी है। मेरे मन के द्वार पर खड़ा है, पहरा दे रहा है, कोई विकार नहीं आ सकता। कौन खड़ा है? पहरेदार किसको बनाया है? बॉडीगार्ड कौन है गेट पर? भगवान को ही बॉडीगार्ड बना के ड्यूटी पे लगा रखा है। भक्ति में भी ऐसी कोई कहानी हो, शिव को शंकर जी बॉडीगार्ड बना के रखते, याद नहीं आ रहा है हमको। नहीं नहीं, वहां नहीं, दूसरा है, शंकर जी स्वयं बॉडीगार्ड बन के रहते, कोई उस पर प्रसन्न होता है, बताए वरदान मांगो, होता है यू बिकम माई बॉडीगार्ड। उधर पार्वती दुखी हो जाती है, फिर उसका हस्बैंड उधर बॉडीगार्ड बन के खड़ा है, कहीं से जा नहीं सकता क्योंकि कहते कंटिन्यूस तुमको खड़े रहना है। वैसे भगवान को क्या बना दो? अपना मन रक्षक, अंग रक्षक तो है ही वो,
पर क्या बना देना है? मन रक्षक। वो बनेगा अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंबिणा मृदु व्रतम पुरांतकम मकांतकम गजांतकम तमंतकांतकांतकम मकंतकांततम बचे। रुद्राष्टक है ना, उसमें ये सब है उसमें। राम दुआरे तुम रखारे, वो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। अगला तो यज्ञ का मैं कौन हूं? रक्षक। फिर उसके बाद में विश्व की आत्माओं के प्रति, कल की साकार मुरली में ये था, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम। कल की साकार मुरली, तुम्हें नशा चढ़ा रहना चाहिए। कल की साकार मुरली, इधर उधर का कुछ भी नहीं बताना इस संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। अंतर्मुखी नहीं, विश्व के संबंध में। विश्व के प्रति क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी? आज ढूंढो, आज। वो कल की थी ना, इस पे फोकस करे या कल वाली पे करे? कल की मुरली हो गई तो कोई उसको देखता भी नहीं उठा के। किसी को अगर लो ये कल की मुरली है या दृष्टि से देखते हैं उसको, ये कल की है बासी, आज की दो। वरदान में नहीं, स्लोगन में नहीं, महावाक्य नहीं, प्रश्न में नहीं, मुरली के बीच में ढूंढो। तो विश्व के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम किस लिए आए हैं? विश्व के लिए आए। दे अलोन ली हु लिव फॉर अलोन रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। विवेकानंद वाक्य है कि वही जी रहे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, द रेस्ट जो बाकी लोग हैं वो मृत है, मरे हुए हैं, जो केवल अपने लिए जी रहे। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर, ऑल एक्सपांशन इज लाइफ, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। संकुचित भावनाओं में जी रहे, डेथ है वो। और लास्ट बताया प्रकृति, प्रकृति के प्रति क्या करना है? बहुत सारी 10-12 चीजें करनी है प्रकृति के लिए, तो प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति से आदान प्रदान करना है, प्रकृति से ऊर्जा लेना है, प्राण ऊर्जा, और देह को चलाना है, प्राणिक ऊर्जा, प्राण पर चलाना है। भोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी, हमें वो चाहिए ही नहीं। मुझे जो कुछ चाहिए, ऑल विटामिन्स, ऑल मिनरल्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल फाइटो न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग आई नीड इज कमिंग फ्रॉम प्राणा। आई लिव ऑन प्राणा, आई लिव ऑफ प्राणा। मुझे वो स्थूल भोजन, वो मटेरियल फूड, वो फिजिकल फूड, वो शाकाहारी फूड, वो मॉर्टल्स का फूड, वो देहधारियों का भोजन, उसकी कम आवश्यकता है, क्योंकि मैं किससे जी रहा हूं? ऊर्जा से। ये इस ऊर्जा, प्रकृति का आह्वान करना, प्रकृति को पवन करना, प्रकृति को का संरक्षण करना, प्रकृति को वेस्ट नहीं करना, इधर खाया इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, रैपर्स, प्लास्टिक्स, आग जलाना प्रकृति में, प्रकृति का मिसयूज करना, पेड़ पौधों को जलाना, नष्ट करना, डिफॉरेस्टेशन करना, फूल तोड़ना, ये सब प्रकृति को हानि पहुंचाना है। ऐसा हमारा जीवन हो कि प्रकृति हमसे हाथ ना हो, तो ये प्रकृति के प्रति। तो ऐसे 7-6 संकल्प बताए। पहला खुद के प्रति, दूसरे बाप के प्रति जो संकल्प है आज की अव्यक्त वाणी से ढूंढेंगे, परिवार के प्रति, उसके बाद यज्ञ के प्रति, इस यज्ञ के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है? यज्ञ मेरी मातृभूमि है। यज्ञ क्या है? मेरी मातृभूमि, सर्वस्व इसके प्रति समर्पित है। अगला विश्व के प्रति, इस विश्व के प्रति मुझे क्या करना है? ऐसे ही आया और से हे जीवन नातरि मर्त सिद्ध मराया ला हो बलसागर भारत हो, वो वैसे ही मैं मर जाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं मरना है। आए और मर गए, मी सिद्ध मराया ला हो, मरूंगा पर कैसे? कुछ करके जाऊंगा। क्या बोला? अगला प्रकृति के प्रति, तो ये सब हमारे कर्तव्य है, संकल्प है। चल तू अपनी राह पथिक चल, होने दे होता है जो कुछ, उस होने से ना होने से तुझको क्या, तुझको तुझको तुझको, विजय पराजय से क्या। मेघ उमड़ते हैं अंबर से, भंवर उठ रहे सागर में, आंधी और तूफान डगर में, तुझको तो केवल चलना है, चलना ही है तो फिर डर क्या। अरे थक गया क्यों, बढ़ चल, बढ़ता चल, उठ संघर्षों से लड़ता चल, जीवन विषम पंथ चलता चल, खड़ा हिमालय हो ये, यदि आगे चढ़ू या चढ़ू ना चढ़ू संशय क्यों, तुझको तो तुझको, विजय पराजय से क्या। ओम शांति।
राह पथिक चल। होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल। होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल। भंवर उठ रहे हैं सागर में, आंधी और तूफान डगर में। तुझको तो केवल चलना है चलना ही है तो फिर डर क्या। तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल अपनी राह पथिक चल। अरे थक गया क्यों बढ़ता चल। उठ संघर्षों से लड़ता चल। जीवन विषम पंथ चलता चल। खड़ा हिमालय हो यदि आगे चढ़ूं या लौटूं यह संशय क्यों। तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल। होने दे होता है जो कुछ उस होने ना होने से क्या। तुझको 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 विजय पराजय से क्या। चल तू अपनी राह पथिक चल।